हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ YouTube के कुछ सेटिंग्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, YouTube की सेटिंग्स जो लाखों करोड़ों यूजर्स तो है YouTube का, लेकिन एक्चुअली में YouTube का जो कुछ सेटिंग्स है जो बहुत ही यूजर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जानते ही हैं सारे फ़ोन अब जो भी टच वाले, चाहे बड़ा फ़ोन हो या आईफोन हो या एनी बडी जो भी टच फ़ोन है, उस सभी में कीवर्ड वाले में भी है यूट्यूब आता है। जैसे जियो का हो गया या एनी बडी जो भी फ़ोन है, नोकिया का, सैमसंग का, एमआई का, मतलब रेडमी जो भी है, एनी बडी जो भी फ़ोन है उसमें यूट्यूब का जो है एप्लीकेशन ऐप जो है आता ही है। तो यूट्यूब का यूजर जो है लाखों करोड़ों मिलियनों में उसका जो है यूजर है, अदर अदर कंट्री में बहुत सारे देशों में जो है यूट्यूब का यूजर है, लेकिन उसका जो कुछ सेटिंग्स है बहुत ही कमाल का और यूनिक है। तो कुछ सेटिंग जो है अभी तक जो है जो यूजर तो यूज करते हैं, लेकिन कुछ यूजर जो है यूज नहीं कर पाते हैं। तो आइए आज आप सभी को बताने वाले हैं उसी कुछ सेटिंग्स के बारे में जिसको आप यूज कर लेते हैं अपने यूट्यूब चैनल में तो बहुत ही कमाल का होगा। आप जो है गलत वीडियो कंटेंट से दूर रहेंगे, आपके बच्चे जो भी यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं वो गलत वीडियो क्लिप से बचेंगे, और कुछ सेटिंग्स ऐसे कर लेते हैं जिससे आपका डाटा जो है लीक भी नहीं होता है और बहुत ही डाटा जो है आपका बचता है। जो भी आपके फ़ोन में जल्दी डाटा ख़त्म हो जाता है तो वो भी आप उनसे बचेंगे। तो आइए बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप की। तो सबसे पहले आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, जो भी बेल आइकन की घंटी है उसे प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं लेके आता रहता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामचंद्र और आप देख रहे हैं रामचंद्र टेक्निकल गुरु जी यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ कुछ सेटिंग्स के बारे में। जैसे आपने यूट्यूब के सेटिंग्स में गए होंगे तो आपको जो है अलग अलग तरह की जो है क्राइटेरिया दिया गया रहता है, आपको उसको पूरा एनालिसिस करके मैं आज आया हूँ। तो आप सभी को बताएंगे कि कैसा इसका क्राइटेरिया है और क्या क्या इसका सेटिंग का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर और सेटिंग को ओपन करते हैं। सेटिंग को ओपन कर लेते हैं तो सबसे पहले आता है जनरल सेटिंग। जी हाँ दोस्तों, जनरल सेटिंग आने के बाद आपको जो है रिमाइंड मी टू डार्क का ऑप्शन आ जाता है। तो सबसे पहले उसको ऑन करते हैं तो क्या क्या सेटिंग है। ब्रेक, जैसे मान लीजिए आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो देखने के बाद मान लीजिए आप 2 मिनट या 10 मिनट या 15 या आधे घंटे तक आप वीडियो को जो है देखते हैं, उसका आप चाहते हैं ब्रेक ले लें तो ऑप्शन आते हैं उसको अनेबल कर देते हैं। आप जो है ऑटोमेटिक जो है आपको ब्रेक हो जाएगा, यूट्यूब रुक जाएगा, वीडियो जो देख रहे हैं उसको ब्रेक रुक जाएगा। अब उसके बाद आते हैं सेकंड स्टेप पे रिमाइंड में। तो दोस्तों मैं आ गया अपने फ़ोन के स्क्रीन पे, यहाँ पे देख लीजिए जनरल सेटिंग को जैसे मैंने ओपन किया। जनरल सेटिंग को ओपन करने के बाद रिमाइंड मी टू टेक ए ब्रेक, ये तो बता ही दिए हैं। रिमाइंड मी व्हेन इट्स बेड टाइम, यानी कि ये जो है बेड टाइम सोने का समय है। अगर मान लीजिए आप जो है सोते हैं 8 बजे, 9 बजे या 10 बजे, एनी बडी किसी टाइम आप सोते हैं तो आप चाहते हैं यहाँ से अलार्म की तरह एक सेटिंग कर दे। जैसे आप इसको परमिशन देते हैं, आपके यहाँ पे जो है टाइम आ जाता है कितने बजे आप जो है सोना चाहते हैं, स्टार्ट टाइम कितने बजे से कितने बजे तक जो है आप जो टाइमिंग आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब बहुत ही अच्छा ये फीचर है। मान लीजिए स्टार्ट टाइम आप जो है 10 बजे से जो है वीडियो को जो है देख रहे हैं और 12 बजे आप जो है सोना चाहते हैं, तो इन टाइम आप यहाँ से सेटिंग करके जो है ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपको जो है यहाँ से फीचर है। उसके बाद यहाँ से परमिशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, यानी बंद करना चाहते हैं बंद करते हैं। आप एफरेंस यानी कि एफरेंस यानी कि चूज योर लाइट डार्क थीम परफॉर्मेंस, यानी कि आप जो चाहते हैं यहाँ से है आपका जो थीम है, यानी कि जो ये वॉलपेपर की तरह जो है डेस्कटॉप या जो भी कहते हैं फ़ोन स्क्रीन, इससे चाहते हैं परफॉर्मेंस जो है डार्क की तरह जो है यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। लाइट देख जो थीम क्लिक करते हैं तो आप जो है थीम का परफॉर्मेंस आ जाता है। देख लीजिए यहाँ पर डार्क मोड करना चाहते, डार्क थीम जाना चाहते, ब्लैक की तरह हो जाता है। तो आपको यहाँ से जो सेटिंग करना चाहते हैं आप जो है कर सकते हैं। चलिए मैंने फिर से वाइट कर लिया और ये हो गया, प्रेंस हो गया। उसके बाद आता है अगला स्टेप प्ले बैक इन फीड्स, यानी कि आप जो है इसको आप अलाउ करके आप जो है जो भी आप जो है वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, मान लीजिए आपका जो वीडियो है मोबाइल का डाटा से आप देखना मतलब ऑन यानी कि एनी बडी किसी भी चीज़ से, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करके आप जो है इस फीड को यूज को जो है यूज कर सकते हैं इस फीचर को। फिर से उसके बाद अगला स्टेप के जाते हैं डबल टैप टू स्क्रीन, यानी कि देख सकते हैं यहाँ से जो है इसको परमिशन देते हैं तो आप जो मान लीजिए वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, वीडियो को देखने के बाद आप जाते हैं गाना आ गया, इनकी सॉन्ग कोई भी एनिमेशन या एड आ गया या प्रचार वचार कोई भी स्क्रीन पर आ जाता है
तो आप चाहते हैं उसको भगा के यानी कि देखे तो ऐड आता है तो जानते हैं उसको, जब तक ऐड घूमेगा नहीं या तो दूसरा कोई वीडियो देखिए या उसको पूरा ऐड काटिए, ऐड प्रचार ख़त्म होगा तभी आप भगा सकते हैं। या आप चाहते हैं कि स्क्रीन पर गाना मतलब वो बोरिंग लग रहा है आपको, चाहते हैं भगा कर थोड़ी दूर भगा के फिर उसे मैं वीडियो को देखूँ, तो आप जो है डबल टैप करिएगा तो 10 सेकंड या 5 सेकंड आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। मतलब डबल टैप करिएगा तो 10 सेकंड वीडियो आगे चल के जा करके फिर से प्ले होगा, या पीछे करना चाहते हैं तो 10 सेकंड पीछे जा करके आपको जो वीडियो प्ले होगा। यहाँ से 60 सेकंड तक का जो है फ्यूचर दे रखा है, तो आपको यहाँ से सेटिंग कर लेना है अपने अकॉर्डिंग किस कितने देर आप जो भगा करके आप देखना चाहते हैं, वो आप पे निर्भर करता है। उसके बाद आता है आपको जो है जूम टू फुल स्क्रीन, यानी कि यहाँ से जो कर देंगे अलाउ परमिशन देंगे तो वो आपको डिस्प्ले पे जो है मान लीजिए छोटा मतलब वॉलपेपर की तरह जो वीडियो दिख रहा होगा फॉन्ट में, तो आप चाहते हैं यहाँ से जूम कर देंगे परमिशन दे देंगे तो आपको जो कोई भी वीडियो प्ले होगा डिस्प्ले पे तो आपको पूरे स्क्रीन फुल स्क्रीन पे वीडियो जो है प्ले होगा। तो ये हो गया इसकी सेटिंग। अगला नेक्स्ट सेटिंग के बारे में बताना चाहेंगे अपलोड से, यानी कि स्पेसिफिक नेटवर्क परफॉर्मेंस टू अपलोड, यानी कि जो है नेटवर्किंग्स के कौन से नेटवर्क से आप जो है अपलोड करना चाहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए वाईफाई से या ऑनलाइन नेटवर्क से है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर है परमिशन दे सकते हैं। तो चलिए मैं फिर से जो है यहाँ पर कुछ बैक हो गया, इस वजह से जो है इस तरह का आ गया, फिर से मैं जाके दिखाता हूँ आपको सेटिंग के कुछ कहाँ गया ये रहा सेटिंग, इसमें जाते हैं फिर से आपको जो है दिखाने का प्रयास करते हैं। डबल टैप टू स्क्रीन हो गया, जूम टू फुल स्क्रीन हो गया, उसके बाद अपलोड भी हो गया। लोकेशन, जी हाँ दोस्तों अब आते हैं लोकेशन पे, तो लोकेशन आपको जो है मान लीजिए आप इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से हैं तो आप इंडिया का वीडियो को देखना चाहते हैं या इंडोनेशिया का, जिस देश के हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो है GPS ट्रैक होकर के मतलब उसी देश का जो वीडियो ज़्यादातर आता है, आप वैसे सर्च बार में जाकर के कोई भी एनीबडी वीडियो देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको जो है जो सर्च फ्यूचर में जो है सर्च ब्राउजर में जो है इंडिया का ही वीडियो कंट्रीब्यूट जो है क्रिएटर है जो भी है इंडिया का वो आपको जो है स्क्रीन पे शो होगा, उसी का वीडियो जो है कंटेंट जो आएगा डिस्प्ले होगा। तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, उसके बाद यहाँ से सेव कर देंगे या कैंसिल का ऑप्शन आ जाएगा, मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ, अभी ये बंद कर देते हैं। इसके बाद आता है ये दूसरा है रिस्ट्रिक्टिव मोड, यानी कि आप जो है कोई भी एनीबडी बच्चे या कोई भी फ़ोन देख रहा है, आप चाहते हैं आप अपना खुद फ़ोन देख रहे हैं या छोटे बच्चे हैं तो सर्च बार में बहुत गलत यानी कि ख़राब वीडियो जिसे कह सकते हैं आप, ख़राब वीडियो जो है ब्राउज़र में आता रहता है, तो इसको इस परमिशन को जो है अलाउ कर देते हैं तो आपके फ़ोन स्क्रीन पर जो है ख़राब वीडियो कोई भी प्ले नहीं होगा, क्योंकि 80% जो है यूट्यूबर जो है खुद ही गाइडलाइंस करता है और 20% बाकी जो रह जाता है वो अदर कंट्री अदर लैंग्वेज में रहते हैं, तो अब कम चांस बन जाता है मतलब ब्राउज फीचर में आने का, ख़राब वीडियो आपको जो है डिस्प्ले नहीं होगा या ब्राउज फीचर में नहीं आएगा ख़राब वीडियो। तो जान ही रहे हैं इस परमिशन को देने के बहुत ही फ़ायदे हैं। तो एनेबल स्टेट ऑफ फॉर नर्ड्स यहाँ पर लिखा हुआ है, इस परमिशन को आप अलाउ कर देते हैं, तो यहाँ से आप जो है इस परमिशन में जब आप अलाउ कर देते हैं, जब आप इस अनेबल स्टेट फॉर नीड्स को आप जो अलाउ कर देते हैं, तो इस जब मान लीजिए कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं तो उस वीडियो में कौन जो है वीडियो कौन सा आईडी का है ये कहाँ से मतलब वीडियो का है सारा डिटेल, वीडियो को कोई भी क्लिप है सॉन्ग है एनिमेशन है यानी कोई भी चीज़ है जो वो उसका सारा डिटेल आप जो है 3 डॉट पर क्लिक करके आप जो है वहाँ से आप जो है चेकआउट कर सकते हैं, उस जानकारियाँ ले सकते हैं इस परमिशन को अलाउ कर देंगे। तो आई होप कि ये सारे सेटिंग को हमने बताए हैं बारी बारी से, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को भी, और अपने दोस्तों तक ये जानकारी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, फॉरवर्ड करिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो भी सोशल मीडिया आप चलाते हैं व्हाट्सएप अकाउंट या फेसबुक एनीबडी सोशल मीडिया ऐप से एप्लीकेशन से। तो आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टेड अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।